गांव की सिलाई में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम आपको लहंगा ब्लाउज की कटिंग और सिलाई दोनों ही इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो भी हमारे भाई बहन मेरे चैनल पर नए हो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमारा ब्लाउज पूरी तरह सिलकर रेडी है। तो इस तरह के ब्लाउज बनाने के लिए आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ये हमारा लहंगा ब्लाउज का कपड़ा है। तो आज इसमें हम आपको कटिंग बताएंगे। तो इसकी चेस्ट की नाप है 34 इंच, लंबाई है 14 इंच और कंधा है 12 इंच पे कटिंग करेंगे और बाजू की लंबाई 7 इंच। तो पहले हम इसे खोलकर देखेंगे इसकी लंबाई कितनी है, क्योंकि इसमें से डिजाइन वर्क की कटिंग नहीं होगी। यहाँ पर साइड में चैन लगेगा। इसकी लंबाई 14 इंच परफेक्ट है। तो हम 14 इंच 1 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए सिलाई मार्जिन की कटिंग करेंगे। अस्तर को हमने खोल लिया है और इसे इस तरह डबल फोल्ड ही रहने देंगे, क्योंकि हमें पीछे का पल्लर और आगे का पल्लर दोनों एक साथ ही कटिंग करनी है। तो इस तरह डबल फोल्ड करने के बाद इसकी हम लंबाई पहले नाप करेंगे। इसकी लंबाई 15.5 इंच है। अब इसे हम कपड़े को अच्छी तरीके से बराबर कर लेंगे, फिर उसके बाद इसे इस तरह फोल्ड कर देंगे। अब यहां से हम चेस्ट की नाप करेंगे। तो 34 इंच का चेस्ट है, तो हमें 34 का एक भाग रखना है 8.5 इंच। अब यहां से 2 इंच आप कपड़े को एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिए। अब लंबाई हमारी 15.5 है, तो हम 15.5 पे 1 इंच 15 पे, लेकिन हम 15.5 पर बाद में हम कपड़े को अगर एक्स्ट्रा लगेगा तो हम छाट देंगे, इसको सीधा कर लेंगे हम। अब यहां से हम कंधे की नाप करेंगे। तो 6 इंच पर हम कंधे की नाप करेंगे। आर्म होल को भी हम 6 इंच पर झुकाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमें गले की कटिंग नहीं करनी है। कपड़े के हिसाब से हमें सिलाई लगाने के बाद गले की कटिंग करनी है। अब इसको हम खोल लेंगे। एक पल्लर हमारा पीछे का हो गया और एक पल्लर आगे का। अब हम आगे के पल्लर में निशान को लगाएंगे। चेस्ट हमारा 34 इंच पे था, तो हमें 8.5 इंच पर यहाँ निशान को लगा लेंगे। अब यहां से हम 10.5 पर इस तरह एक टिक लगा लेंगे और यहां से 4 इंच पर हमें एक टक्स के बनाने हैं ब्लाउज। सिर्फ एक ही यहाँ पर टक्स के हमें निशान लगाने हैं और यहां से हमारा 0.5 इंच ये गहराई छट जाएगा। फिर उसके बाद यहां से ये गले की हो जाएगी। तो गले में डिजाइन वर्क है, उसे हम ज्वाइंट करने के बाद ही इसकी कटिंग करेंगे। तो अब इसमें भी बाजू वर्क दिया है, तो पहले हम इसको नाप लेंगे इस डिजाइन से। तो यहाँ पर हमारी बाजू 7 इंच है तैयारी इसकी, तो हम इसे 8 इंच पर कटिंग करेंगे। अब कपड़े को इस तरह डबल फोल्ड करेंगे। यहां पर इतना जोड़ लगेगा। अब इसे इस तरह डबल कर लेंगे। डबल करने के बाद 7 इंच की बाजू है, तो हमें 8 इंच इसकी लंबाई रखनी है। अब 8 का यहां पर हाफ 4 इंच,
6 इंच पर आर्म होल की कटिंग हुई थी, तो यहां से हम 2 इंच बढ़ा देंगे। इसको खोलकर हम गहराई छाट देंगे। अब यहां पर भी हमें ज्वाइंट लगाना है। तो इस तरह यहाँ पर ज्वाइंट लग जाएगा। अब ये हमारा बाजू की डिजाइन है। अब इसे हम बराबर सेंटर में दोनों साइड से रख लेंगे, फिर उसके बाद कटिंग करेंगे। तो इस अब यहाँ पर हमारा ये डिजाइन बीच वाला सेंटर है। यहाँ पर अभी बीच वाले सेंटर पे इस तरह हम इसको रख देंगे। रखने के बाद इसे हम खोलकर अब इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारी बाजू कट गई है। ये बीच का हमारा सेंटर है, इस सेंटर को मिलाते हुए इसे हम डबल कर लेंगे। अब इस कपड़े को हम इस तरह डिजाइन का सेंटर मिलाते हुए, इसे डिजाइन का सेंटर बिल्कुल आपको मिलाना है, आगे पीछे नहीं करना है, नहीं तो ये कटिंग खराब हो जाएगी। अब इस तरह हमने डबल फोल्ड करके डिजाइन सेट कर लिया है। अब इस पे हम पीछे वाला पल्लर रखकर इसकी कटिंग करेंगे। अभी हम गले की कटिंग नहीं किए हैं, वो सिलाई के वक्त हम करेंगे। जब आगे वाले पार्ट की हम गला बना लेंगे, उसके हिसाब से हम गले की पीछे वाले पल्लर में कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारे पीछे पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम आगे पार्ट की कटिंग करेंगे। तो गले का सेंटर मिलाते हुए आपको आगे पार्ट की कटिंग करनी है। यहाँ पर सारे कटिंग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम चलेंगे सिलाई मशीन पर, आपको सिलाई करना बताएंगे। तो हम आ चुके हैं अपने सिलाई मशीन पर। यहाँ पर सबसे पहले हम गले का सेंटर, ये हमारा आगे का पल्लर है, हम इसकी सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर गले का सेंटर और नीचे का सेंटर आपको मिलाकर सिलाई को लगाना है। गले में हम पिन को फंसा लेंगे ताकि हमारा गला कहीं से खिसकने न पाए सिलाई लगाने में। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। छोटे छोटे हमें कट के निशान लगाने हैं। इसको हम सीधा करने के बाद इसे हम नीचे की साइड में सिलाई लगाएंगे। अब गले के चारों तरफ हम सिलाई लगाकर इसे हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे दो टक्स जो हमने प्लेट के निशान डाले थे, अब उसे भी हम लगाएंगे। और मुड्ढे को हम 3 इंच रखेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को हम छाट देंगे। अब जो हमारे ये एक टक्स प्लेट के निशान है, हम उसे 1 इंच कपड़े को उठाते हुए सिलाई को यहाँ पर लगा लेंगे। इसी तरह हम दोनों प्लेट को बना लेंगे। तो हमारे आगे का पार्ट बनकर रेडी हो गया है। अब चलते हैं हम पीछे पार्ट की कटिंग करेंगे। तो पीछे पार्ट में हमें देखना है कि यहाँ पर डिजाइन हमारा कितना है, 6 इंच है, तो हमें यहाँ पर 7 इंच रखना है 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए। 3 इंच मुड्ढे का निशान लगाना है। अब गले का शेप हम यहाँ पर बना देंगे, इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम पीछे पार्ट की रखकर सिलाई लगाएंगे। पहले हम नीचे साइड में सिलाई को लगा लेंगे, फिर उसके बाद गले को अच्छे से पिन अप कर लेंगे ताकि कहीं से हमारा कपड़ा खिसकने न पाए, ताकि आपको सिलाई करने में कोई भी दिक्कत ना हो। गले के चारों तरफ हम सिलाई को अच्छी तरह लगा लेंगे। सिलाई को लगाने के बाद पिन को निकाल लेंगे, फिर इसके हम कटिंग कर देंगे। छोटे छोटे यहाँ पर भी हमें कट के निशान लगाने हैं। इसे सीधा करने के बाद नीचे की साइड में भी हमें सिलाई लगाना है और ऊपर की साइड में भी। आप यहाँ पर लेस को भी लगा सकते हैं।
और चारों तरफ हमें किनारे किनारे सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा कपड़े को छाट देंगे। यहाँ पर हमारा पीछे का पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम बाजू की सिलाई करेंगे, तो जो भी एक्स्ट्रा जोड़ हो उसे भी हम लगा लेंगे और बाजू को सीधा रखते हुए यहाँ पर अस्तर वाले पार्ट को हम गुणित का निशान जिस तरफ है उस साइड में हम सिलाई को लगाएंगे। तो यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद हमें इस तरह अस्तर भाग को सीधा करते हुए ऊपर से हमें सिलाई को लगाना है और बाजू के चारों तरफ सिलाई को लगाते हुए बाजू को हम तैयार कर लेंगे। अब ये हमारा पीछे का पार्ट है। अब आगे पार्ट को हम इस तरह रखेंगे इसके ऊपर। अब मुड्ढे में हम सिलाई को लगा लेंगे और जो हमारा पीछे का पार्ट है यहाँ पर भी हमें प्लेट के निशान डालने हैं 5 इंच की दूरी पर दोनों साइड में, और इसकी लंबाई हमें 4.5 इंच प्लेट को उठाना है। तो दोनों साइड में हम प्लेट के निशान बना लेंगे। मुड्ढे को भी हमने यहाँ पर जोड़ रखा है। अब हम बाजू को सेट करेंगे, ये कम वाला इस तरफ और ये वाला इस तरफ। बीच का सेंटर हमें मिलाते हुए हमें इसको जोड़ना है। बीच के सेंटर को आपको मिला लेना है, फिर उसके बाद आपको नापते हुए बाजू की सिलाई लगानी है। दोनों साइड में हम इसी तरह बाजू को सिलकर तैयार कर लेंगे। दोनों तरफ बाजू की सिलाई हमारी हो चुकी है। दोनों बाजू लगकर बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमें साइड की फिटिंग सिलाई लगानी है। चेस्ट हमारा 34 इंच पे था, तो 34 का दूसरा भाग 17 इंच पर हम निशान को लगा लेंगे दोनों साइड में। पेट की गोल्ड रेंज 30 इंच है, तो हमें हाफ 15 इंच पर निशान लगाना है दोनों साइड में। हाथ की गोल रेंज 10 इंच है, तो हमें 10 का आधा 5 इंच पर निशान को लगाना है। अब इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब यहां से हमें सिलाई को सीधी लगा देना है। अब दूसरी साइड में भी हमें सिलाई को यहां आर्म होल के ठीक नीचे 2 इंच तक ही सिलाई को लगाना है। एक्स्ट्रा कपड़े में हमें चैन को सेट करना है। अब इस तरह कपड़े को सीधा रखते हुए यहाँ से हम चाक की मदद से निशान लगा लेंगे, ताकि हमें चैन लगाने में बिल्कुल आसानी हो, कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर निशान लग गए हैं। अब हम इसमें चैन को लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सेम कलर का चैन लिया हुआ है। चैन को थोड़ा सा ऊपर करके ही लगाना है, ताकि इसे अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे हम। दोनों साइड में हम चैन को चारों तरफ से लगा लेंगे। चैन को चारों तरफ लगाना है। आपको चैन के ऊपर सिलाई को नहीं लगाना है, ताकि आपका चैन अच्छे से बंद हो जाए और खुल भी जाए। तो यहाँ पर हमारा चैन लगकर रेडी हो गया है। और यहाँ पर हम नीचे की साइड में हमें एक हुक और आई बनाना है। तो इस तरह हमारा ब्लाउज फिटिंग तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम डोरी को लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने लहंगा ब्लाउज की कटिंग और सिलाई आपके साथ वीडियो में शेयर की है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें।